योगी के फॉरेस्ट वाले किस तरह से सूबे के खजाने को करोड़ों रुपए साल का चूना लगाते हैं, ये ना तो कदम कदम पर गुलामी टैक्स देने वाली गुलाम जनता से छुपा है, ना ही अब तक की सरकारों और अफसरान से। इससे एक बार फिर हम आपको रूबरू कराते हैं। आज फिर हम आपको लखीमपुर खीरी का ही नज़ारा करा रहे हैं। हालांकि फॉरेस्ट वालों की करतूत से गुजरे दिनों कई बार आपको रूबरू करा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरान से लेकर सीएम तक के कानों तले जूं तक नहीं रहेंगी। नतीजा आज भी जंगल की लकड़ी का चोरी से कटान जारी है। जंगलों के सफाई के चलते जंगली जानवर आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एवीएन की टीम जैसे ही खीरी जिले के कोकरा थाना इलाके से गुजरी तो रास्ते में कुछ लोग हजारों रुपए की लकड़ी ले जा रहे थे। जब हमारी टीम ने उनसे पूछा तो सारा खेल सामने आ गया। साइकिल सवार ने हमारे संवाददाता को बताया कि जंगल में जितने भी लोग काम करते हैं, जिसकी दिहाड़ी के बदले में उसे वन विभाग के अधिकारी लकड़ी काट कर दे देते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से विभाग सरकार को लाखों का चूना लगा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जंगलात महकमे की लगातार जो लापरवाही और जो हीला वाली है, उससे वन विभाग की तरफ से सरकार को कितने का चूना लगाया जा रहा था। इस तरीके से हमने आपको पहले भी कई बार बताया और कई बार दर्शकों को खबर के प्रकाशित करने के बाद भी दर्शकों को दिखाई खबर और अधिकारियों के कानों तले अभी तक जू नहीं रेंगी है। हम इस वक्त पहुंचे हैं बांकेगंज ब्लॉक के पूरा गांव के जंगल के समीप। यहां पर आपको बता सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जो लकड़ियां ले जा रहे थे उन लोगों को देखा, तो उन लोगों ने कहा कि यहां पर जो भी लकड़ी है, हम लोग वन विभाग के कर्मचारियों के साथ काम करते रहते हैं, उसके बदले में दिहाड़ी के बदले में हमें लकड़ी काट के दे दी जाती है। तो अभी आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से ये सूखी लकड़ी है, ये गिरी हुई है वहाँ से पेड़ से। अगर ये समय रहते हैं ये जो लकड़ी है अगर सुरक्षित कर ली जाती तो हो सकता था वन विभाग को काफ़ी फायदा होता, लेकिन यहाँ वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जेब भरते हैं, ना कि सरकार के खजाने को भरने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से लगातार सरकार का खजाना लुटता चला आ रहा है और जंगलात महकमा इसको बड़ी तेजी से लूट रहा है। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से, अभी वो सामने देखिए जी आ रही है लकड़ी जो है जंगलात महकमे की, जो जिस तरीके से आ रही है ये लकड़ी जो है काट कूट के इस तरीके से ही कर दे रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि हमने आपको बताया कि थोड़े थोड़े रूप में ये लकड़ी कर रही है, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जंगलात महकमा जो है छोटी छोटी चीज़ों को, पहले पेड़ गिर जाता है उसके बाद उसे उठाते नहीं है, फिर उसके बाद जब सूख जाता है तो उसको काट के 150-200 रुपए में, करोड़ों का पेड़ है जो लाखों रुपए का पेड़ है उसे 100-200 रुपए में बेच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।